भाई फोन लेना है तो अच्छी कंपनी का लेना है, और क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता हूं कि जब मैं फोन लेने की बात करता हूं तो कि कौन सी कंपनी का लिया जाए। इवन अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूं, एलसीडी ले रहा हूं, तब भी मैं ये सोचूंगा कि कौन सी कंपनी का लिया जाए, क्योंकि कंपनी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो डेफिनेटली लोग ये देखते हैं कि कौन से ब्रांड का फोन है, कौन सी गाड़ी है, तो इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं सैमसंग का फोन, तो डेफिनेटली इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं वो फोन जो कि 10,000, 11,000, 12,000, मतलब 10,000 से लेकर 15,000 की रेंज के अंदर जो है बेस्ट फोन है। और अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फॉर श्योर अगर आपका बजट है 10 से 15 हज़ार, तो आज आपको अपना फोन जरूर मिल जाएगा। दोस्तों पहले अगर फोन की बात करें तो वो है इतना जबरदस्त फोन कि अगर आपका रेंज 10-11 हज़ार या 12 हज़ार है, तो सैमसंग क्या किसी और ब्रांड के अंदर भी ऐसा फोन मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के M20 के बारे में, जिसके अंदर आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, एक 10,990 रुपये का और एक 12,990 रुपये का। फोन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो 10,990 वाला वेरिएंट है वो है 3GB 32GB, मतलब 3GB रैम मिलेगी, 32GB स्टोरेज मिलेगी, और 12,990 वाले वेरिएंट के अंदर आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिलने वाली है। दोनों को ही आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं, तो फोन आप कोई भी लीजिए, अलग से आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड मिलेगा, यानी कि दो सिम लगाने के बाद भी आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो आप मेमोरी कभी भी इसकी बढ़ा सकते हैं, तो आप 10,990 वाले मॉडल के लिए भी जा सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाली है। इन्फिनिटी डिस्प्ले है, नॉच काफ़ी कमाल का है, VO टाइप का मतलब डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाएगा। 409 पिक्सल पर इंच का डिस्प्ले है, ज़बरदस्त आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, यानी कि अगर आप इस पर वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं तो ज़बरदस्त आपको डिस्प्ले मिलने को है। 5000 mAh के अंदर आपको मैसिव बैटरी मिलने वाली है विद 15W का टाइप सी फास्ट चार्जर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये चार्जर वाकई में काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा, मतलब नॉर्मल जो चार्जर होते हैं वो 5W के मिलते हैं फ़ोन के साथ, जो मैंने देखे हैं, इवन आईफोन के साथ भी मतलब कि आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको 3x फास्ट चार्जर मिल रहा है, जो कि काफ़ी जल्दी आपके 5000 mAh को चार्ज कर देगा। बहुत ही फास्ट फेस अनलॉक का फीचर इसके अंदर मिलेगा, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट भी आपको मिल जाएगा। ड्यूल वोल्टी का आपको ड्यूल सिम मिलने वाला है। 1.8 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलने वाला सैमसंग का एक्जिनोस का 7904 का आपको प्रोसेसर मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और दोस्तों सैमसंग का प्रोसेसर, सैमसंग का ही फोन, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी इसके अंदर काफ़ी ऑप्टिमाइज होने वाली है। एंड्रॉयड का 8.1 का आपको ओरियो मिलेगा, OTG का सपोर्ट मिलता है, 13 MP प्लस 5 MP का अल्ट्रा वाइड आपको ड्यूल कैमरा मिलेगा रियर में, और 8 MP का आपको 2.0K अपर्चर का सेल्फी कैमरा मिलेगा। सो दोस्तों ये तो है वो फोन जिसने 10,000, 11,000, 12,000 की रेंज में मचा रखी है धूम। और फॉर श्योर आप इस फोन के लिए जाइएगा, आप निराश नहीं होंगे, कमाल का ये फोन है। थोड़ा सा मिलता कम है, लेकिन फिर भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पर इस फोन आपको मिल जाएगा। दूसरे फोन की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अपने चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जिसे पार्ट लेके आप जीत सकते हैं कमाल धमाल प्राइजेस, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं। इंस्टेंटली एक छोटा सा आपको मैसेज देता हूं, उसके बाद मिलता हूं दूसरे फोन के लिए। दोस्तों आपके चैनल पे चल रहा है एक जबरदस्त गिव अवे, जिसके अंदर जीत सकते हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी है। तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे 5-5 मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है 5 एंट्री कर सकता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये 5 आपकी एंट्रीज बन जाती हैं, तो जीतने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे, इसको लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा, तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर, और ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों दूसरे फोन के बारे में बात करते हैं, अगर आपका 13,990 रुपये, मतलब 14,000 से थोड़ा सा कम का अगर आपका बजट है, तो सैमसंग गैलेक्सी ओन 7 प्राइम ये फोन आपको मिल सकता है, जिसके अंदर आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छा ये फोन है, इसके अंदर आपको रियर में और फ्रंट में दोनों के अंदर ही 13 MP का कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही आपको 5.5 इंच की फुल HD का आपको डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 2.5D गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। 3300 mAh इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी, साथ ही आपको मिलेगा दो कलर्स का सपोर्ट, यानी कि ब्लैक और गोल्ड में आप इसको ले सकते हैं।
दो सिम लगाने के बाद भी आप अलग से डेडिकेटेड एसडी कार्ड लगा सकते हैं और इसके अंदर आपको मिलेगा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में, फेस अनलॉक का फीचर भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये फोन काफी रिलायबल फोन है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग फोन है। इस फोन को काफी लोगों से मैं ओपिनियन ले चुका हूं जो लोग इसको यूज कर रहे हैं एंड दे आर प्रीटी सैटिस्फाइड विद द फोन। मतलब फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, रैम भी अच्छी है, रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है प्रोसेसर की। तो अगर आपका बजट 13,990 का है तो फॉर श्योर आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। बाकी M20 अगर नहीं मिल रहा है तो अदरवाइज M20 इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर 10 and 12,000 रुपीज की रेंज वाला। हाँ, अगर आपको नॉच वाला फोन पसंद नहीं है तो भी आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। और मैं बात करता हूँ आपके मेरे लगभग सैमसंग लवर जो है इस रेंज के अंदर सबके फेवरेट फोन के बारे में, सैमसंग J6। ये फोन लगभग मतलब आप ये देख लीजिएगा, जिनको सैमसंग के फोन पसंद है वो J6 का फोन नॉर्मली ले लेते हैं अगर इस रेंज के अंदर को जाना है तो। मैं भी आपको बता देता हूँ इसके जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में अलग अलग। एक तो इसका 10,490 रुपये वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 3GB और 32GB मतलब 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज मिलती है। एक इसके अंदर आपको 11,990 वाला मॉडल मिलता है जिसके अंदर आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। 5.6 इंच से आपको HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। सैमसंग की डिस्प्ले वैसे भी कमाल धमाल होती है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के तो क्या कहने। एंड्रॉयड ओरियो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा 8.1। 1.6 GHz का आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर मिलने वाला है 7870। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, साथ ही 3000 mAh से आपको बैटरी मिल जाएगी। 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा जो कि f1.9 के अपर्चर पर चलता है, मतलब लो लाइट आपकी इमेजेस काफ़ी अच्छी आ जाएंगी। 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, साथ ही आपको फेस अनलॉक का फीचर मिलता है। 18:9:9 के एस्पेक्ट रेशियो की आपको डिस्प्ले मिलने वाली है, तो डिस्प्ले काफ़ी ठीक है। मतलब फ़ोन जो है ना, मतलब हाथ में पकड़ो तो बड़ा सा नहीं लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल आपके हाथ में फील देगा। और सैमसंग का ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है दोस्तों। अगर आपका बजट 10,000-11,000 रुपये का है तो आप इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले फ़ोन के बारे में और वो है J6 का ही बड़ा भाई J6 प्लस। ये आपको 12,990 रुपये के अंदर मिल जाएगा जिसमें आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। 13+5 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है और 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 6 inches का आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ ही आपको Qualcomm Snapdragon 425 का आपको प्रोसेसर मिलेगा जो कि 1.8 GHz पर चलता है। 3300 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, साथ ही आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों इस फोन के जो फिंगरप्रिंट है वो आपको साइड में मिलता है तो देखने में काफ़ी स्टाइलिश सा लगता है। ये फ़ोन जो है मैंने देखा और मैंने इसके साइड में जब फिंगरप्रिंट देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखे, क्योंकि नॉर्मली हम फ़ोन को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, मतलब अगर फ़ोन पकड़ने की बारी आती है, ये भी सैमसंग का ही फ़ोन है, तो नॉर्मली हम फ़ोन को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं तो यहाँ पे साइड में हमेशा हमारे एक फिंगर रहती है। तो ऐसे में इंस्टेंटली अगर हमारे को यहीं पर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है, हमारे को अलग से मतलब ये ढूंढना नहीं पड़ता है। कई बार कुछ फोन्स के अंदर ऐसा होता है कि थोड़ा फिंगरप्रिंट ढूंढना पड़ता है और अगर हम अच्छे से कवर वगैरह लगाएं तो थोड़ी सी और दिक्कत हो जाती है कभी कभी अपनी पसंद का जिसके अंदर वहां पर कट ना हो। बाकी यहां पर फिंगरप्रिंट होना अपने आप में एक एडवांटेज होती है और एक अच्छी फील देता है ये। रेस्ट इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है आप कौन सा फ़ोन लेते हैं। मैंने वो बता दिए हैं सारे फ़ोन जो कि 10,000 से 15,000 की रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगे सैमसंग के, और काफ़ी धमाल फ़ोन ये आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप गिव अवे जीते और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।